को आपको भी उस पार्टी में, आपको भी वो पार्टी देने की आवश्यकता है, क्योंकि सब विधायक बड़ी बड़ी इफ्तियार पार्टियां दे रहे हैं और उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है, तो आप क्यों इफ्तियार पार्टी नहीं देते? आपको भी देना चाहिए, ऐसे हमारे मित्र ने मुझे फोन करके बताया। तो मैंने मेरे मित्र को कहा कि ठीक है, आपने ये बात सही कही है कि सारे के सारे विधायक तेलंगाना के हो, या तकरीबन हम आज सोशल मीडिया में देख रहे कि इफ्तियार पार्टी का सेल्फी और इफ्तियार पार्टी में शामिल होते हुए टोपी पहनकर बहुत सारे हमारे विधायक इफ्तियार पार्टियों में बिजी है। ठीक है, उनकी शायद सोच होंगी कि हमें वोट वोट बैंक की राजनीति करना है तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ये उनकी सोच है। लेकिन सोच में अंतर होता है। मेरी सोच जो मैं बताता हूँ, मैं हमारा धर्म क्या है, मैं उस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि हमारे धर्म में सभी लोगों का मान सम्मान करो और सभी को रेस्पेक्ट दो, ऐसा हमारे धर्मों में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ धर्म ऐसे भी हैं जिनके धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं का कत्ल करो, काफिर है हिंदू और हिंदुओं को नहीं बख्शना है। ऐसे बहुत सारे जो मेरे हिंदू समाज के जो खिलाफ है उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान का आज लैलतुल ख़द्र 27वीं शब है ताख़रात की, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान करीबुल इख्तिताम पर है। हमारी जो भी इबादतें, जो भी हमसे रोज़े वगैरह, जो भी हम ज़कात, जो जो चीज़ें अल्लाह की राह में हमने खर्च किया, अल्लाह उसे कबूल करें, और अल्लाह हर मोमिन की परेशानी और मुसीबतें हर चीज़ दूर करें। और सारे इंसानों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह अपनी तरफ सबको हिदायत में बुलाए, और अल्लाह हर इंसान को सही दीन की फहीम दे। जैसे आज एक गोशा महल के MLA गलत फहमी का शिकार होते हुए, खैर वो गलत फहमी का शिकार नहीं, वो कुछ ना कुछ ढूंढना चाहते हैं कि वो किस मौजू पे किसी एक खास मजहब को चोट पहुंचाए। आज उन्होंने हरी किताब कहकर एक खास तबके को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, और एक गलत मैसेज लोगों में दिया है कि कुरान में, मतलब हरी किताब में, कुरान का जिक्र तो नहीं किया, हरी किताब में हिंदुओं को मारो काटो फलाना करो, इस टाइप का उन्होंने बयान किया अपने मुंह से। ऐसा कोई वाकया, कोई चीज़ कभी कुरान में जिक्र है ही नहीं, कभी हिंदू का वर्ड कुरान के अंदर आया ही नहीं। और रहा सवाल वो जो है सूरह तौबा की कुछ आयतों के बारे में, कोई उनके सामने बयान किया उसको लेकर वो अपनी तरफ से तो मेरी चरम सोच गेदी की देखी है, बातें कह जब रहे उनके हैं। ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि काफिर माने हिंदू, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो बोलने वाले की इफ्तियार पार्टी में मैं कैसे जा सकता हूं और मैं उनको ये पार्टी कैसे दे सकता हूं, मैं मेरे मित्र को पूछा। तो मित्र बोला कि भाई ऐसे तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई हम फुरूप के साथ देंगे। फुरूप के साथ इनके कौन से ग्रंथ में, हम लोग ग्रंथ कहते वो लोग क्या कहते, मैं अगर बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा, पूरे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो उनकी जो किताब होती है, जो हरे कलर की किताब, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं का कत्ल करो, अगर हिंदू तुम्हारे आजू बाजू रहता है तो उसे पैसा वसूलो। ऐसे तकरीबन बहुत सारे पेजेस है उस बुक में, हरी किताब में। तो मैं उस किताब पे जाना नहीं चाहूंगा, ठीक है। आने वाले समय में ये किताब बैंड हो, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ने वाला हूं, क्योंकि आज भारत देश में आतंकवाद फैलने का कारण
वो हरी किताब है, और वो हरी किताब को ऊपर प्रतिबंध लगे, वो हरी किताब के ऊपर प्रतिबंध लगे, ये लड़ाई मैं लड़ने वाला हूं आने वाले समय में, क्योंकि वो हरी किताब में ये लिखा हुआ है, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, उनकी स्त्रियों से बलात्कार करो, उनको पत्थर मार मार के खत्म कर दो, ऐसा वो हरी किताब में लिखा हुआ है। सो ऐसी सोच रखने वालों के साथ मैं कैसा बैठूं, और ऐसी सोच रखने वालों के साथ मैं कैसा बैठकर पार्टी मनाऊं, आप बताइए, मुझे नहीं जमता। क्योंकि ये वो लोग उनके साथ बैठते हैं जो साले वोट के भिखारी होते हैं, और राजनीति उनके खून खून में, उनकी रग रग में बहता है राजनीति, वो लोग बैठते हैं, मुझे क्या करना है, हम तो बिंदास है, पहले धर्म बाद में राजनीति बोलने वाले व्यक्ति है हम, और मैं समझता हूँ 2019 में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है उस पर विचार करेंगे, अगर मेरे हिंदू भाई कहते तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बड़ा कार्य दिया है धर्म कार्य, और मैं बहुत प्रसन्नता होता हूँ जब मैं कहीं पर भी मेरी सभा होती है तो मेरे हिंदू भाई बंधु, मेरी माताएं बहनें उतना सुंदर बैठकर मेरी सभा सुनते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, और आपको आपको देखकर हम हमें प्रेरणा मिलती है, और हम भी हमारे राज्य में, हम हमारे क्षेत्र में धर्म कार्य हम भी स्टार्ट कर दिए है आपको देखकर, तो मुझे बहुत अच्छी प्रसन्नता मिलती है, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि चलो हमारे भगवान ने एक अवसर दिया है धर्म प्रचार का, और हमें देखकर कोई अगर धर्म के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो मुशरिकान मक्का थे, जब जो मुसलमानों से वहां लड़ रहे थे और उन पे हमले कर रहे थे, उनसे कई जंगें हुई और उस दौरान उनसे कई माहदे हुए, उस उन माहदों को जब वो तोड़े तो उसके लिए अल्लाह के पास से हुक्म आया, जो तुमको मारे तुम उनको मारो, यानी कि जब तक ये नहीं कहा गया कि तुम, जब वो लोग अपना अहद तोड़े और तुम्हारे दीन पे हमला किए तो तुम उनको मारो, घात लगा के बैठो उनके लिए, और अगर उनमें से कोई तुमसे पनाह मांग ले, तौबा कर ले, तो उन्हें अमन की जगह ले जाकर छोड़ दो। यानी कि यह सारी दुनिया के लोगों के लिए नहीं, वो वक्त का वाकिया है, सूरह तौबा की आयतें कोई इनके सामने बताए वो फौरन जो है उसके ऊपर आ गए और हरी किताब, और रहा सवाल किताब पे बाइंड लगाएंगे हरी किताब, तुम तो छोड़ दो, ये अल्लाह की किताब है, दुनिया की कोई ताकतवर सुप्रीम पावर ऑफ, ये सुप्रीम पावर अल्लाह की किताब है, कोई इस दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकी, ना रोक सकेगी, ना खयामत तक ये किताब रुकेगी, ना इस पे कोई पाबंदी लगा सकेगा, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है और ये सारी दुनिया अल्लाह की है। और आप एक अपना इस किताब से जोड़कर टेररिस्ट की तरफ लोगों को ले जाने की बात कह रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़े हमदर्द बताना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किया है अपने मुंह से कि सेकुलर हिंदू हरामी बोले, यानी कि तुमको बोलने भी थोड़ा ख्याल आना चाहिए कि हिंदू अगर सेकुलर है तो वो हरामी हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम मुस्लिम से दूर रहना चाहते हो, तुम एक काम करो, नेपाल करीब में है, नेपाल में भी ज्यादा हिंदू रहते हैं आपकी तरह होंगे या नहीं होंगे नहीं मालूम, वहां चले जाओ, ये हिंदुस्तान, ये इंडिया, ये भारत, ये सब जो भी नाम है हमारे मुल्क के, ये सबका मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों का मुल्क है, ये गुलदस्ते की तरह है, और मैं इसकी शिकायत पीएमओ से भी किया हूँ, और तहरीरी शिकायत तो हम कर ही रहे हैं, और जो वीडियो के जरिए हम बोलना चाह रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं, मगर मैं गुजारिश करता हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट से कि इस किस्म के लोगों को, इस किस्म के जो लोग तकरीर कर रहे हैं किसी के मजाहब के मुकद्दस किताबों को लेकर, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं एक बार उस एमएलए को कहना चाहता हूं कि एक बार मेरे पास आए या मुझे बुला लें, मैं उन्हें कुरान की तालीम दूंगा इंशाल्लाह उसको, क्योंकि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, जब ये किताब तुम पढ़ेंगे ना
तो तुमको पता लगेगा इसके अंदर हर वो बारीक से बारीक चीज बताई गई है। एक इंसान को मारना, सारी इंसानियत को मारना इस किताब में लिखा है। ये नहीं कहा गया है हिंदू मुस्लिम से किसी भी इंसान का जिक्र किया गया है। कुरान में ये जिक्र क्लियरली किया गया है कि किसी एक इंसान को मारना सारे इंसानियत को मारने के बराबर है। कार्य कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझे अच्छा सा महसूस होता है। और साथ ही साथ आने वाले समय में सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी मेरे हिंदू भाई बंधु मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं सबका एक बहुत बड़ी सभा लेने का प्लान कर रहा हूं। यानी सभा मतलब सब लोग मिलना है। अभी हम बिखरे हुए, ऐसा जैसा होता है ना, ऐसे पांच उंगली हमारी बिखरी हुई होती है, ऐसा हम लोग बिखरे हुए हैं। और अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना तभी होगी जब हम मुट्ठी बनेंगे। मुट्ठी जब बनेंगे तभी अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। और मेरा संकल्प है और भगवान के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो जो सोचा है और जो जो मेरा सपना था सभी भगवान ने पूर्ण किया है। और आज मैं और एक सपना देखता हूं, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना का सपना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने ये मेरा सपना, गौ माता पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में गौ माता को राज माता का दर्जा मिले, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे ये मेरा सपना, जिस प्रकार से कश्मीर से मेरे हिंदू भाई बंधु मेरे हिंदू पंडित कश्मीरी पंडितों को जिस प्रकार से तलवार की नोक से भगाया गया, बंदूक की नोक पर मेरे कश्मीर में मेरे पंडितों को बसाया जाए ये मेरा सपना। और जो कोई भी हिंदू समाज को खत्म करने की बात करे, भारत देश पर आक्रमण करने की बात करे, ऐसे लोगों को बात से नहीं, इन हरामियों को बीच चौराहे पर खड़े करके गोलियों से उड़ा दे, तोप से उड़ा दे, तलवार से इनकी गर्दन काट दे, उस प्रकार का मैं भारत देखना चाहता हूं ये है मेरा सपना। और मेरे सपने के साथ सभी हिंदू भाइयों का सपना होना चाहिए, क्योंकि आपकी और हमारी सोच एक ही है। और जो सेकुलरवादी हिंदू है ना, ये हरामियों के बारे में मत सोचो, ऐसे ही हरामियों की वजह से, सेकुलर हरामियों की वजह से ही भारत देश में मुगल राज करे, सेकुलर हरामियों की वजह से ही भारत देश पर 200 साल अंग्रेज राज करे। और फिर से हमें गुलाम नहीं होना है मेरे भाइयों, ये आजाद भारत देश है। जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, जब 100 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, तो एक मेरा हिंदू देश क्यों ना हो। और अखंड हिंदू राष्ट्र और हिंदू देश जब तक नहीं बन जाएगा तब तक मेरा संघर्ष और आपका संघर्ष जारी रहेगा। भारत माता की जय। कैसे कहेंगे वो हिंदू को मारो, सिख को मारो, ईसाई को मारो, यानी के उस दौर में, वो जो टाइम में जब ये जंगे चल रही थी, उस टाइम में सूरह तौबा नाजिल हुआ और उसके अंदर ये साफ लफ्जों में कहा गया है कि जो तुमको मारे तुम उसको, तुम्हारे दीन पे जो हमला किया तुम उसको मारो, बराबर ये बात उसमें लिखी है। मगर वो दौरान जंग की बात है, फिर आगे की आयतों में ये क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर कोई तुमसे अमन चाहे तौबा करे तो उसे अमन की जगह तक ले जाकर पहुंचाओ। फिर ये आगे की नहीं पढ़ रहे हैं आप, खाली एक काम करिए, आप शुरू से बिस्मिल्लाह से पढ़िए, अलहम के सूरह से, सूरह फातिहा से शुरू करिए, इंशाल्लाह तुम्हारे को जो है ना प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, आप अमन में आ जाएंगे और लोगों को अमन की दावत देंगे कि भाई पीसफुल रहो, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो और अपने माल में से ज़कात दो। जैसे कि अब 1 करोड़ का मालिक है तो वो 2.5 लाख रुपए वो जो है ज़कात देना है। हर मुसलमान पे ये फर्ज है कि अगर वो 1 करोड़ का मालिक है और 1 साल से उसके पास अगर कोई चीज मौजूद है जो उसकी मालियत है 1 करोड़ की, जैसे वो माल पैसा सोने की शक्ल में, तो वो उसमें से 2.5 लाख रुपए लोगों में गरीबों में तकसीम करें। ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम सिखाता है कि शराब नवेशी हराम है, जिससे देखिए आप शराब पीते ही आदमी मगन होके कत्ल करता है, कई ऐसे बलात्कार करता है, कई चीजें ऐसे कर देता है, कार चला के इसे रुकने के लिए कहता है। ये नहीं कि दीन में कोई गलत चीज आप बता भी नहीं सकते, चैलेंज है मेरा तुम सबसे,
अगर कोई दीन में एक चीज गलत बता दें लोगों के सामने बिना तालीम होना, जैसे हमारे भी कोई आलिम जो है किसी दूसरे दीन के लिए बात करते हैं तो पहले उनके किताब पढ़ के उस किताब के हवाले से बात करते हैं, तो पहले आप और प्रूफ पहले प्रूफ बोलना सीख लो, प्रूफ देता हूँ, प्रूफ इंग्लिश वर्ड है ये, उसको आप पहले सीख लो उसके बाद बोलो। और मेरा गुजारिश है मेरे सेकुलर हिंदू भाइयों से, जो आपको वो इतनी बुरी तरीके से हरामी कहा, यानी कि सेकुलर हिंदू हमारे हरामी कहा उसने, वो भी बहुत बुरा जुमला है उसका, और उसको उस जुमले के लिए भी माफी चाहना चाहिए। और ये जो किताब के बारे में बाइंड की जो सोच उनकी जो बताना चाह रहे हैं वो उनके घर के हद तक, उनके जबान की हद तक ही रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक शेर बोल देता हूँ, ना छेड़ रहने दे दास्तां यहां तक अपनी, कह दूंगा तो जल जाएगा दिल तेरा और रह जाएगी जुबा मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया जो वॉच कर रहे हैं आप सबको, मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। ये जबानी जमा खर्च के लोग हैं, इनको जबान से जवाब हम बराबर देते रहेंगे, जिस दिन वो जैसे चाहेंगे वैसा उनको जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह।